तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मैं जब जब न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पीयू और आशा करती हूँ आप सब लोग घर में होंगे और अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के दौरान घर में सभी मेल मेंबर्स घर में हैं और फैमिली जब साथ में रहते हैं तो बहुत सारा खाना, एक साथ गप्पे, सब कुछ होता है। और ये खाना खाते खाते कुछ दिनों में वजन भी थोड़ा सा हमारा बढ़ ही गया है, तो इस वजन को अभी चेक करने की समय आ गया है। उसलिए मैंने भी कुछ डाइट अभी फॉलो करना शुरू किया है। ये डाइट मैंने पहले भी फॉलो किया था जिससे मेरा वजन थोड़ा सा घटा था, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगी ज़्यादा, महीने में 2 से 4 किलो तो घटा ही था। तो वही डाइट मैं फिर से शुरू कर चुकी हूँ, तो इस डाइट को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी इस लॉकडाउन के दौरान घर में बैठ के ये सब फॉलो कर सके और अपने वेट को फिर से कंट्रोल में ला सके। तो चलिए और देर न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। सुबह 5:30-6 बजे उठकर पहले फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो आप घर नहीं कर सकते हैं। इस हल्का एक्सरसाइज का थोड़ा एक वीडियो मेरा चैनल पे है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, देख लेना। इसके बाद मैं एक ग्लास में पानी लेकर उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना गर्म करती हूँ। उस गुनगुना पानी को मैं पहले सुबह उठकर पीती हूँ। इसके बाद मॉर्निंग में 6:40 को पानी पीने के तुरंत 10 मिनट बाद ही मैं ये 4 आमंड ले लेती हूँ। ये मैंने पिछले रात को भिगो कर रख दिया था, सुबह उठकर ही ये पानी पीने के 10 मिनट बाद छील के मैं इसको ले लेती हूँ। अभी बच गए सुबह के 7:30। अभी मैं 1 कप पानी गर्म करने के लिए दे रही हूँ। पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना होगा। जब आपको लगेगा कि पानी बहुत गर्म हो गया है तभी आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ करके देंगे इसमें ग्रीन टी के पत्ते। 1 कप के लिए 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। अभी इसको देके थोड़ी देर ढक के रखना पड़ेगा। मिनट ढक के रखने के बाद फिर इसमें देखिए कलर भी आ गया है। अभी इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। इसके बाद इसको एक छन्नी के मदद से छान लेंगे। देखिए मेरा ग्रीन टी का कलर कितना अच्छा आया है। ऐसा वाला ग्रीन टी के साथ मैं ले लेती हूँ 2 बिस्किट। बस अभी का हो गया मेरा। इसके बाद जब 9 बजता है 9 बजे के अंदर ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ मसाला ओट्स, उसके लिए मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए उसमें मैं मसाला ओट्स मिला दूंगी। मैं ये वाला मसाला ओट्स यूज़ करती हूँ, इसमें वेजेस भी दिया हुआ रहता है, ये खाने में भी मुझे अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप भी चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये थोड़ा अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेजेस है, वो भी बॉईल होना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट्स इसको अच्छे से बॉईल कीजिएगा। देखिए मेरा मसाला ओट्स कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगा। मेरा ब्रेकफास्ट अभी रेडी है। इतने से ही मेरा पेट भर जाता है और बहुत देर तक भरा हुआ रहता है। देखिए मेरा मसाला ओट्स कितना अच्छा लग रहा है। अभी बच गया है 12:00। अभी मैं कर लेती हूँ मेरा लंच। आज मेरे लंच में था 2 रोटी और मिक्स दाल की तड़का और एक बॉईल किया हुआ अंडा। आप अगर चाहे तो आप राइस भी ले सकते हैं। अगर राइस लेते हैं तो एक छोटा सा बोल का ही लीजिएगा।
अभी बच गए हैं 3। अभी मैं फिर से पीती हूँ ग्रीन टी 2 बिस्किट के साथ। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। इस टाइम मेरा स्नैक का टाइम हो गया है। अभी मैं अपना स्नैक तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने रात में मटर को भिगो कर रख दिया था और उसके साथ छोले भी भिगो कर रख दिए थे। मटर को मैंने बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर में और छोले मैंने कच्चा ही रखा है क्योंकि मुझे कच्चा छोला खाना पसंद है। बॉइल्ड मटर के ऊपर थोड़ा सा कच्चा छोला ऐड किया, उसके बाद ऐड किया अनियन। मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैं यहाँ पर 2 ही ऐड करूंगी। आप जितना तीखा खा सकते हैं उतना ही ग्रीन चिली ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैं एक बॉईल किया हुआ आलू भी डाल रही हूँ। आप अगर चाहे तो ये आलू स्किप कर सकते हैं, पर मुझे आलू डाल के खाना अच्छा लगता है और ये अच्छा भी होता है। आलू भी तो खाना चाहिए। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक और इसके बाद ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लूं। बस हो गया मेरा स्नैक रेडी। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा करके बनाया है क्योंकि ये सिर्फ स्नैक के लिए नहीं है, ये मैं थोड़ा सा उठा के रख दूंगी। रात में मैं आज डिनर में थोड़ा सा ये और एक छोटा सा बोल में मुड़मुड़ा ले लूंगी, बस हो जाएगा मेरा डिनर भी कम्प्लीट। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब जब न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। 8 बजे के अंदर मैं डिनर कर लेती हूँ, वही अच्छा होता है। तो मैंने यही मैंने डिनर में ले लिया है। मैंने फिर मिलते हैं और एक नए एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।